को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के गौशाला वाली रोड पर खड़े हैं। सामने जब आप जलेबी चौक से इधर आएंगे तो इस साइड जो है वो गौशाला के लिए रोड जाता है, दादा मंदिर के लिए। और ये बहुत प्राचीनतम शनि मंदिर है। शनि मंदिर के ठीक सामने ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। पूर्व विधायक हमारे हुकुम काका स्वर्गीय हुकुम चंद यादव जी के पुत्र हैं त्रिलोक यादव, वो ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। और इस कॉम्प्लेक्स को 5 मंजिला बनाया जाएगा। ये हम आपको इसका एक 3D इमेज भी दिखा देते हैं। सबसे पहले नीचे जो है वो बेसमेंट है, बेसमेंट के बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फिर जो है टोटल 5 फ्लोर बनेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में दुकानें सेल के लिए भी उपलब्ध हैं और आपको रेंट के लिए भी, यानी अगर आप किराए से दुकान लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी से ही आप इसकी बुकिंग करा सकते हैं। खंडवा शहर का ये बीच मेन कमर्शियल एरिया है, जलेबी चौक नज़दीक है, आपकी मंडी सब्जी मंडी अनाज मंडी नज़दीक है पुरानी, और ये कुल मिला के कमर्शियल एरिया है। और यहाँ ऑलरेडी बहुत सी दुकानें हैं, शनि मंदिर सामने हैं, तो यहाँ पर बिज़नेस का ऑलरेडी बहुत स्कोप है और सेटल बिज़नेस भी हैं। शहर से बाहर 2-3 किलोमीटर दूर बन रहे मॉल में भी लोग लाइन लगा कर दुकानें ले रहे हैं। तो ऐसे में बीच शहर में अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले, मौका मिले, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई बिज़नेस प्लान है तो आप यहाँ पर उसके लिए रेंट पर दुकानें ले सकते हैं। बेसमेंट में ज़्यादातर दुकानें बिकाऊ हैं और अगर आपको रेंट पे चाहिए तो भी वो आपको दे देंगे। सबसे अच्छी बात जो इस पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ये है कि सपोज़ आपको छोटी दुकान चाहिए 10x10 की, तो 10x10 की भी आपको ये दुकान बनाकर दे देंगे। आपको 20x10 की चाहिए या 2000 स्क्वायर फिट का पूरा हॉल चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए या एक अच्छे ऑफिस के लिए, तो आपको ये यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। और इसके एंट्री और एग्ज़िट दो हैं, एक यहाँ से आपको एंट्री मिलने वाली है, एक उधर से मिलने वाली है। इसमें आपको बता दें लिफ्ट भी है, जहाँ से त्रिलोक भैया उतरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर लिफ्ट भी है। लिफ्ट से आपको ऊपर नीचे जाने की सुविधा भी मिलेगी, उधर से भी आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, इधर से भी आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। और ये जो इतना हिस्सा है आपको बता दें, ये वाला, ये पूरी पार्किंग है और आगे आपको भरपूर पार्किंग भी मिलने वाली है। तो अगर आप रेंट के लिए या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं कि आप एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करें, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हम आपको नीचे नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पर आप फ़ोन लगाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है और किस तरह का यहाँ पर आपको सुविधा मिलने वाला है। हर्षल यादव त्रिलोक भैया के बेटे हैं और स्वर्गीय हुकुमचंद यादव काका के पोते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, त्रिलोक यादव जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो उन्हें पर्सनली नहीं जानते नंबर हम आपको दे रहे हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। ये इस मॉल का डिज़ाइन है और ये जो मॉल है इसका नाम आशीर्वाद बिजनेस बे रखा गया है, क्योंकि आशीर्वाद ग्रुप के नाम से ही हुकुम काका के परिवार की पहचान है और एक दबंग विधायक के तौर पर भी उनकी पहचान है। उनके बेटे त्रिलोक यादव जो अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं, और उनसे भी एक कदम आगे उनका बेटा हर्षल यादव है जो अपने व्यवहार के लिए जाना जाता है, ये उनका कॉम्प्लेक्स है। तो आप अभी कांटेक्ट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं अथवा आप मौके पर आकर विजिट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर समय आपको त्रिलोक यादव या हर्षल यादव मौके पर मिलेंगे, उनसे आप फेस टू फेस भी चर्चा कर सकते हैं।